नमस्कार, मैं हूं सुनील तिवारी और आप देख रहे हैं विशाल खबर। भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक तहसील इकाई बिरसिंहपुर ने पिछले दिनों जिला कलेक्टर सतना के नाम अपनी तमाम मांगों को लेकर ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा है और अपनी मांगें रखी हैं। मांगें पूरी न होने पर आंदोलन की भी बात कही है। मांगों में मुख्य रूप से बिजली विभाग के द्वारा क्षेत्र के लगभग 50 जले ट्रांसफार्मरों को ठीक कराते हुए लगातार हो रही बिजली कटौती और लो वोल्टेज में सुधार किए जाने की मांग की है। साथ ही HVDC सौभाग्य योजना, घरों के बिलों में 2 किलोवाट का लोड बिना मीटर के जारी किया जाना, पंपों के हार्स पावर बढ़ाया जाना व बिलों में 52% का सर चार्ज जो जोड़ा जा रहा है उसमें भी तत्काल रोक लगाने की किसान यूनियन ने मांग की है। इसी तरह तहसील कार्यालय में सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा एवं EWS व 151 व 107 116 के प्रकरणों में मनमानी तरीके से बाबू द्वारा पैसे वसूल किया जाता है और बाबू संतोष द्विवेदी खूब मनमानी कर रहे हैं। इस बात का भी किसान यूनियन के अध्यक्ष ने बाकायदा खुलेआम मंच से ही उनका जिक्र किया है। उन पर भी रोक लगाने की कलेक्टर से मांग की गई। साथ ही बिरसिंहपुर बाजार में खाद बीज कीटनाशक की कालाबाजारी रोके जाने, अमानक खाद बीज की जांच करने सहित क्षेत्र में बिक रही शराब, कोरेक्स, गांजा आदि के अवैध बिक्रे पर भी किसान यूनियन ने रोक लगाने की मांग की। किसानों का कहना था कि विगत 2 माह के अंतर्गत कई दर्जन भैंसों की चोरी हुई है जो किसानों का वास्तव में धन होती है, जिनका खुलासा पुलिस प्रशासन के द्वारा आज तक नहीं हुआ, जो किसानों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। वहीं कुछ पटवारियों की मिलीभगत से सरकारी जमीनों पर भी खूब कब्जा हो रहा है और उत्खनन भी हो रहा है, जिसे तत्काल बंद कराया जाए और ऐसे पटवारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो ऐसा करवा रहे हैं। साथ ही कार्रवाई नहीं होती तो संगठन उग्र आंदोलन करेगा, तहसील बिरसिंहपुर कार्यालय के सामने बैठेगा, ऐसी भी किसान यूनियन ने चेतावनी दी। कार्यक्रम में तमाम किसान यूनियन के सदस्य एवं पदाधिकारी सम्मिलित रहे। किसान यूनियन ने ट्रांसफार्मर से संबंधित और तहसील में कार्य समय पर न होने के संबंध में, खाद बीज के संबंध में और ये पुलिस विभाग के संबंध में ये दिया है और जो ज्ञापन प्राप्त हुआ है DM साहब के साथ बैठकर उसमें चर्चा करेंगे तथा जो समस्याएं हैं उनको। किसान यूनियन ने किसी बाबू पर आरोप लगाए हैं, क्या कहेंगे, कौन बाबू हैं वो, क्या आरोप? देखिए, हम तो शुरू अभी आए हैं, 10-15 दिन के लिए प्रभार मिला है, अब देखते हैं संबंधित बाबू के कार्यों का वो करते हैं, जाँच वाँच करवाएंगे। यदि 10 दिवस के अंदर नहीं हुआ तो हम लोग पूरा आंदोलन करेंगे, इसकी जवाबदारी शासन और प्रशासन की। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। किसान यूनियन का दावा है, हर दुकान में खाद बीज कीटनाशक बिकता है, किसी के बोलने की क्षमता नहीं है। पिछले साल तहसीलदार साहब ने कहा था 3 दिन के अंदर हम रेट सूची लगवा देंगे, लेकिन आज तक रेट सूची क्या, पूरे बाजार में खाद और बीज बिक रहा है, किसान लेने को मजबूर है, कोई रेट सूची नहीं है, कोई लाइसेंस नहीं है, मनमानी तरीके से बिक रहा है। यदि शनिवार और रविवार को 107-116 का मुकदमा आए तो 5,000 रुपए लेता है, नहीं तो सीधे जेल का वारंट बना देता है। मैं पूछना चाहता हूँ, यदि जमानती जुर्म है तो किस बात का जेल भेजा जाता है? ये केवल संतोष द्विवेदी का पैसा, इसी संतोष द्विवेदी ने जब कंप्यूटर में नाम फीड किया तो राम का रहीम कर दिया और आज क्षेत्र में लाखों किसानों का नाम सुधारने में SDM कोर्ट के चक्कर लगाते हैं और यहाँ पर कम से कम 5,000 रुपए में एक व्यक्ति का नाम सुधरना। इस तहसील में मैं दावे के साथ कहता हूँ EWS वर्तमान तहसीलदार के पहले देखे और आज देखे 80-20 का फर्क है। सामान्य वर्ग के EWS सारे के सारे रिजेक्ट है। सब पत्रकार बंधुओं से निवेदन करता हूँ, जानकारी बना ले सूचना के अधिकार के साथ, नामांकन और बंटवारे 6-6 महीने के पड़े हुए हैं, सीमांकन 4 वर्ष के, 4 साल से कम के सीमांकन नहीं है। मेरे पास प्रमाण है, सीधे भाई पुराई में चल रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ऐसी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए विशाल खबर, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं रुकता। धन्यवाद।